हेलो व्यूअर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है शाम की 5:30 से। हम जा रहे हैं स्विमिंग सीखने के लिए। चलो चलते हैं। ये हमारा अपार्टमेंट का नीचे का रास्ता है पूल को जाने के लिए। हमारे अपार्टमेंट को 2 प्लेग्राउंड से, एक पीछे वाला और एक आगे वाला। सिंगापुर में आपको बहुत सारे प्लेग्राउंड्स मिलेंगे बच्चों के लिए। ये वाला आइसक्रीम गाड़ी है, आइसक्रीम बेच रहा है। और ये जो है प्लेग्राउंड है, सिंगापुर में आपको बहुत सारे बच्चों के प्लेग्राउंड्स रहेंगे। मैं बताऊंगी आपको हम कौन से प्लेग्राउंड्स जाते हैं। तो हम जा रहे हैं पूल के लिए। सो यहाँ पे हम रोड क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मैं आपको रिटर्न में बताऊंगी, क्योंकि रिटर्न में थोड़ा लाइट्स पूरे ऑन रहेंगे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब हॉलीडेज़ है जो भी के लिए। सो हॉलीडेज़ में यहाँ पे अक्सर मेला लगता है, बहुत सारे खेलने की चीज़ें हैं। ये वाला हमारा फ्रूट शॉप्स है। मैं ज़्यादा फ्रूट्स यहीं से ख़रीदती हूँ, क्योंकि ये जो भी के स्कूल छोड़ने के रास्ते पे है, तो मैं उसको स्कूल छोड़ दे के यहाँ आके फ्रूट्स ख़रीद लेती हूँ। ये मुझे पता है, हाय मुझे जानता है। ये रास्ते पे मैं रोज़ जाती हूँ जो भी को स्कूल छोड़ने के लिए। पोल जो है जोबिका स्कूल के पीछे ही है। मैं आपको आज जोबिका स्कूल भी बताऊंगी, जो भी आगे चले गई है स्कूटर पे जा रही है जो भी। यही ब्रिज हम रोज़ चढ़ना पड़ेगा जोबिका स्कूल के लिए। हम जा रहे हैं ब्रिज पे। जेदू ये व्यू को अच्छे से एंजॉय करता है, क्योंकि उसको ना कार्स बसेस बहुत पसंद है। सो ब्रिज पे सी बहुत अच्छी व्यू मिलती है। कितने सारे थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत रुकाएंगे मेरे बच्चों को और कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। यही है जोबिका स्कूल, इस बिल्डिंग के पीछे है। ये वाला फेयर प्राइस है NTEC, इसमें आपको ग्रोसरी मिलेगा। ये वाला है जोबिका स्कूल, जोबिका प्लेग्राउंड है नीचे। यहाँ पे लिफ्ट है ना, यहाँ से जोबिका 3rd फ्लोर है। ये वाला क्रिसमस का डेकोरेशन रख दिया उन्होंने। ये वाला जोबिका प्लेग्राउंड है, यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, कार्निवल्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन सभी यहीं पे होगा। इनका प्लेग्राउंड एरिया है ये। सो ये कैंटीन है स्कूल का। और सिंगापुर में आजकल रिसाइकलिंग से बहुत चल रहा है, उसका ही रिफ्लेक्शन है ये।
स्टार्ट हो गया प्रैक्टिस पानी में, पहला क्लास अच्छे से ट्राई कर रहे। मन नहीं कर रहा कि प्रैक्टिस करने के लिए, चाहते हैं कि पूल में खेले। यहाँ पे पूल में प्लेग्राउंड भी है, मैं आपको पूरा आउटलुक व्यू बताऊंगी। ये वाला प्लेग्राउंड है, तो ये बच्चों का पूल है, वो वाला बड़ों वाला पूल है, थोड़ा डीपनेस ज़्यादा रहेगा इसमें। हो गया है शाम 7:30 हो गया था, पूरे लाइट्स ऑन, लोग अभी भी स्विमिंग कर रहे हैं। हमारा हो गया है, हम जा रहे हैं। मुझे थोड़ा शॉपिंग करने का है तो मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़े फ्रूट्स लेने का है फेयर प्राइस में। मुझे एप्पल्स लेना है, यहाँ पे जो भी आप खरीदेंगे ग्रोसरी बहुत फ्रेश रहेगा, बट कंपेयर टू लोकल स्टोर्स ये थोड़ा, लेकिन इस पर बहुत क्वालिटी मेंटेन करेगा वो। बहुत सारा क्रिसमस का सेल चल रहा है, सो अब हम जा रहे हैं बिलिंग के लिए, सो बिलिंग करने के बाद हम निकलेंगे घर। यहाँ पे हमारे इंडियन चीज़ें जो रहते हैं इंडियन स्पेसिफिक वो नहीं मिलेंगे, थोड़े वेजिटेबल्स भी इंडियंस के नहीं मिलेंगे, जैसे कि ड्रम स्टिक, बिटर गॉड, इंडियन के स्टाइल में नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाते हैं। तो हो गया, मैं जा रही हूँ बिल्डिंग के लिए। हम निकल गए फेयर प्राइस से, जा रहे ब्रिज पे। अब नाइट टाइम व्यू देखिए कार्स का, मैं बोली थी ना जो मेला लगा हुआ था, तो उसका व्यू है देखो। बहुत सारी चीज़ें बच्चों को खेलने के लिए, डिफरेंट गेम्स है और खाने के लिए कुछ है, ये वाले पूरे गेम्स है। तो मैं रोड क्रॉस करती हूँ, ब्लॉग यहाँ से ख़त्म होता है, इसलिए अपार्टमेंट का रास्ता मिल जाएगा।